चावल अगर ज़्यादा बॉयल हो जाए तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते। आज मैं आपको एक ऐसा रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसमें आप ये गले हुए चावल को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा फ्राइड राइस बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेज़ी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा घी और अब इस घी में हम फ्राई करेंगे कुछ काजू। तो कॉलीफ्लावर राइस में कैशूज का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ऐड करें। काजू को हमें हल्का सा ब्राउन करना है और फिर उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे काजू जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और उसको भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इस घी में हम डालेंगे दालचीनी, दालचीनी के साथ हम डालेंगे इसमें इलायची और इसमें हम डालेंगे लौंग और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कुक होने देंगे घी के अंदर। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, जीरा को भी अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे और अब इसमें मैं डालूंगी कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। तो कॉलीफ्लावर अभी सीज़न में है, बहुत ही अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलीफ्लावर पूरा लिया है और उसको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर को बॉयल या ब्लांच नहीं किया है, डायरेक्ट ऐड किया है। अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट और इसके बाद हम इस गोभी को अच्छे से इसमें घी के साथ पका लेंगे। तो ये देखिए जो गोभी है वो अच्छे से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुका है। इसको हमें बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउनिश कर लेना है जिससे कि फ्राइड राइस में बिल्कुल अच्छा लगे। तो इसको आप एक बार ढक दीजिए और ढक के इसको पका लीजिए जब तक कि गोभी सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए गोभी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं डालूंगी मटर, मटर भी सीजन में आ चुके हैं तो ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी चावल जो कि ज़्यादा गल गए थे। चावल को हम बिल्कुल हल्के हाथों से गोभी और मटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आप इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू हाई पे रख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारे भुने हुए काजू जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला और हल्का सा और नमक टेस्ट के हिसाब से और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमारा चावल बनके बिल्कुल रेडी है। एक बार आप चेक कर लीजिए सॉल्ट को और ये लीजिए हमारा बहुत ही अमेजिंग झटपट बनने वाला फूल गोभी और मटर का पुलाव बनके रेडी है। इस पुलाव को आप गर्मा गर्म सर्व करिए दाल के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।